ओके स्टार्ट कर देते हैं फिर यार। हे व्हाट्स अप गाइस, आज की वीडियो थोड़ी अलग होगी। आज हम कुछ पढ़ने वाले नहीं है, आज बस बेसिकली बैठ के गप्पे मारेंगे, सिंपल जानेंगे एक दूसरे को, गेट टुगेदर, हार्ट टू हार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों वीडियो ये वाली बना रहा हूँ, एक्चुअली हुआ क्या, कुछ दिनों पहले ही मेरे भाई ने मुझसे कहा था, मतलब मेरा छोटा भाई है एक, मैं बताया था आपको, वो NSIT के अंदर है, EC ब्रांच सेकेंड ईयर के अंदर है, और उसने कहा यार कि भैया तेरा ना चैनल तो बढ़िया है, चल ठीक है, लोग पढ़ वढ़ रहे हैं, सही है, लेकिन लोग तेरे को जानते नहीं है यार, मतलब लोगों को पता नहीं कि तू कौन है, तू क्या कर रहा है, तू क्यों कर रहा है, जो भी कर रहा है, राइट। और मुझे भी लगा हाँ सही बात है, तो कुछ करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। और आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या पर्पज़ था, क्या मेन मोटिवेशन, क्या रीज़न है जो कि मैं कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं सोची, मतलब मैंने इसके लिए ऐसे ही बस बैठ गया मैं बोलने के लिए, और लाइट ऑन करी और बस बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ प्लानिंग ऐसा है नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने स्कूल से। तो फर्स्ट से लेकर एट्थ तक का बताता हूँ मैं आप लोगों को, फर्स्ट से लेकर एट्थ तक मैं काफ़ी सारे स्कूल्स में घूमा यार, पता है मैं ना अपनी लाइफ के अंदर 4 से 5 स्कूल चेंज कर चुका हूँ, और मेजर रीजन उसका वही रहता था, हमेशा कुछ पैसे का रहता था ऊपर नीचे, मतलब फैमिली के अंदर इश्यूज होते थे काफ़ी। तो फर्स्ट से लेकर एट्थ तक मैं अपने घर के पास एक लोकल स्कूल था, उसके अंदर था मैं, और मतलब वहाँ पर हमेशा फर्स्ट ही आता था, मैं टॉपर था, मतलब अगर नहीं आता था किसी किसी टाइम तो फिर लगता था यार क्यों नहीं आया, मैं रोने जाता था, ठीक है। तो वहाँ पर फर्स्ट आना मेरा बनता था पूरे टाइम। देन एट्थ के बाद मैं मूव कर गया, पश्चिम विहार के अंदर एक स्कूल है, पश्चिम विहार के अंदर मतलब सबसे ज़्यादा जो गुंडागर्दी वाला स्कूल आप इमेजिन कर सकते हो, वो सबसे गुंडागर्दी वाला स्कूल था, वो उधर मैं मूव कर गया। तो वहाँ गया यार, वहाँ तो पहले दिन से ही रैगिंग स्टार्ट हो गई थी मेरी, और मतलब मुझे लग नहीं रहा मैं कैसे यहाँ पर टॉलरेट कर पाऊँगा, लेकिन धीरे धीरे करके निकाला टाइम निकाला, टीचर्स वगैरह के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था मेरा। बट वो था यार कि स्कूल, आप लोगों का जो माहौल होता है ना, उसमें धीरे धीरे करके ढलते रहते हो। तो नाइन्थ तक ना मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत होती थी वहाँ पर। तो टेंथ तक आते आते मैं भी काफ़ी गुस्से वाला हो गया था, मतलब छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते रहता था, घर पे आके मम्मी से लड़ाइयाँ होती थी, और स्कूल टीचर्स ने भी ये चीज़ नोटिस करी, घर वालों ने भी। तो इलेवंथ के अंदर फिर मैं मूव करके आया उस स्कूल से, ठीक है, छोड़ छाड़ के, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं गया, जस्ट बगल के अंदर ही, A6 ब्लॉक के अंदर ही जस्ट बगल में एक दूसरा स्कूल था, उसके अंदर चला गया। वो काफ़ी रेपूटेड स्कूल था, मतलब राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, RPVV, अगर आप लोगों को पता हो तो, बढ़िया स्कूल। 11th 12th वहाँ गया, अच्छा 9th 10th के अंदर भी टॉप आया था मैं अपने स्कूल के अंदर, लेकिन 11th 12th में गया तो वहाँ पर थोड़े बच्चे ना बहुत शरीफ टाइप के बच्चे थे, मतलब स्कूल का माहौल भी काफ़ी ऐसा था वहाँ का कि काफ़ी शराफत और नज़ाकत वाला स्कूल था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर गया यार, उस स्कूल के अंदर जाने के बाद जो था ना मेरे अंदर 9th 10th तक की, ठीक है, सब जगह पार्टिसिपेट वगैरह कर रहे हैं, सब जगह ये सब बना, वहाँ पर जाके यार थोड़ा कॉम्प्लेक्स वगैरह आ गया मेरा, मतलब वो स्कूल के अंदर सारे के सारे बंदे मतलब पहले से इतने एडवांस थे, और मतलब सब कुछ बहुत ही बढ़िया, माहौल वाइज और स्टैंडर्ड वाइज सब कुछ सही था, और वहाँ पर जाके थोड़ा सा लगा कि यार नहीं, यहाँ पर तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ लोगों के बीच में, और वहाँ पर जाके थोड़ा सा दबने लग गया धीरे धीरे करके, मुझे ये फील हुआ कि पर्सनैलिटी का थोड़ा सा वहाँ पर जाके जो ओपननेस थी 8th तक जो मैंने बनाई थी कि हाँ भाई सब कुछ करना, ये वो करना, 9th 10th में भी वो चीज़ छोटी नहीं थी, वो चीज़ 11th 12th में कहीं ना कहीं मिस हो गई थी। मैं 11th 12th के अंदर एक बार भी स्टेज पर जाके कुछ बोला नहीं, जबकि 8th तक कोई दिन नहीं था जब मैं बोलता नहीं था, और 9th 10th के अंदर भी मैं बोलता था काफ़ी ज़्यादा स्कूल के अंदर, और वहाँ पर बच्चे भी काफ़ी सही थे, लेकिन कि मतलब अभी जो ट्रेंड चलते आते, जो स्ट्रीक चलती आती 10th तक की, फर्स्ट वो वहाँ पर आके सडनली टूटने लगी, और फिर पता चलने लगा मुझे कि भाई लाइफ में मतलब हम ही नहीं हैं, मतलब दुनिया बहुत ही बड़ी है, हमसे भी ऊपर के लोग पढ़े हैं यार दुनिया के अंदर, ऐसा नहीं है। बट धीरे धीरे करके सीखा यार वो चीज़ भी कि जो चीज़ तुम्हारे पास है उस चीज़ में कंसर्न करो, जो चीज़ दूसरे के पास है वो चीज़ देखकर अपने आप को अपसेट करने से अच्छा जो चीज़ तुम्हारे पास है उसके उसमें खुश रहो, ठीक है। वो चीज़ें सीखने लगा, मतलब बुरा नहीं है कि उसकी तरह देख के आप लोग एस्पायर करो कि हाँ मैं भी बन सकता हूँ ऐसा, हाँ भाई जरूर एस्पायर तो करो, लेकिन ये रहता ना कि यार परेशान हो जाते हैं वो चीज़ देख के, वो चीज़ अच्छी बात नहीं है, वो चीज़ मुझे पता चली बाद में जाके, धीरे धीरे करके लाइफ सिखाती रहती है। अच्छा 12th तक ये सब हुआ, लेकिन 12th तक मेरे पास ना मतलब मेरे उस वाले स्कूल के अंदर काफ़ी सारे बच्चे
जेई नीट इन सब की प्रिपरेशन कर रहे थे, मुझे आइडिया भी नहीं था कि जेई नीट जैसी कोई चीज़ होती है, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि आगे जाके मेंस देना है, मुझे लगता था कि ठीक है उसके बाद कॉलेज जाना है, लेकिन कॉलेज के अंदर मेरे दिमाग में हमेशा DU रहता था, मुझे नहीं आ जाता कि NITs एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि उस टाइप के यार अभ्यंग ही नहीं थी ना, मतलब उस टाइप के घर में भी किसी को नहीं पता, किसी को पता ही नहीं है। तो मैंने कोई प्रिपरेशन ऐसा कभी करी नहीं, नॉर्मल अपने स्कूल देन अपना जो नॉर्मल ट्यूशन होता है वो लगवा रखा था मैंने, और वहाँ वही सब चल रहा था मेरा, ठीक है। और पता चला जैसे 12th के अंदर, जैसे करके दिसंबर जैन आया 12th का, तो पता चला अच्छा ये वाला एग्ज़ाम भी देना होगा बाद में जाके यार, तो मतलब थोड़ी सी तैयारी वारी कर लेनी चाहिए इसके लिए भी। तब जाके मैं थोड़ा बहुत NCERT को थोड़ा और अच्छे से पढ़ने लगा, बस वही प्रिपरेशन की थी, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो उस टाइम पर ज्वाइन करना बहुत लेट हो चुका था, ठीक है। ये हुआ और 12th निकल गया, ठीक है। CBSE के अंदर ठीक ठाक पढ़ पढ़ के कुछ अच्छी परसेंटेज आ गई थी, और मैंने मेंस भी दिया, लेकिन मेंस के अंदर इतनी अच्छी रैंक आई नहीं, मार्क्स बहुत कम आए थे, ठीक है। 138 आए थे आई थिंक, हाँ 138 ही आए थे। तो 138 मार्क्स के अंदर कोई मुझे ऐसा कोई कॉलेज मिल रहा था NIT के अंदर, तो मैंने सोचा कि ठीक है अपन जाते हैं DU के अंदर एडमिशन लेते हैं। DU के अंदर मुझे हंसराज के अंदर CS मिल रही थी, CS करनी भी थी, कंप्यूटर साइंस मतलब काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर सुना था कंप्यूटर साइंस कर लेते हो तो बहुत सही, गूगल वगैरह में जा सकते हो, तो गूगल हमेशा से ड्रीम था, ठीक है। तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब जमा करा दिए इस कॉलेज के अंदर, लेकिन एकदम से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई यार उस टाइम पर, मतलब लाइफ के अंदर वो बहुत ही एक डिफरेंट पाथ है उस स्टोरी का, बट काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा सडन चेंज आए लाइफ के अंदर, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। कि मैंने क्या किया, बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी करी, मैंने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो जमा कर दिए थे DU के अंदर वो सारे सारे लिए, मैंने अपना बैग पैक किया और मैं पटना चला गया सुपर थर्टी। बहुत सारी चीज़ें सडनली चेंज हुई लाइफ के अंदर, और वहाँ गया मैं, फिर एक साल प्रिपरेशन करी वहाँ पर जाके। वो वाला दौर जो था एक साल, वो वाला यार हमेशा याद रहेगा मुझे, मतलब वो वाला टाइम कभी नहीं भूल सकता। कभी भी मैं घर से बाहर एज सच कभी रहा नहीं था, और मुझे याद है जब पापा आए थे छोड़ने के लिए, ठीक है, और पापा गए थे पटना और हम हॉस्टल में रुके पापा और मैं एक रात, शुरुआत वाला जो दिन था, सामान वामान सारा सेटल किया हमने, और मुझे एकदम से सडनली स्ट्राइक किया। पहले तो मैं बहुत खुश था कि भाई सुपर थर्टी जा रहा हूँ ये वो, ठीक है, मतलब अब तो फोड़ दूंगा ये वो, और खुश था मैं, काफ़ी खुश खुश घर से निकला। लेकिन वहाँ जाके सडनली रियलाइज हुआ कि यार अब मुझे अकेले रहना पड़ेगा यहाँ पर, पापा कल जा रहे हैं, तो मैं तो बेड पर रोया आराम से बढ़िया उस रात, और पापा जब जा रहे थे तो मेरा दिमाग खराब हो रहा था। बट कोई नहीं, वहाँ पर जाके काफ़ी सारे फ्रेंड्स वगैरह मिले मुझे, और वो उन सब का भी सेम ही हाल चल रहा था, तो वहाँ जाके धीरे धीरे करके मैं घुला मिला उन लोगों के साथ, और बढ़िया निकला। मतलब फिर उसके बाद तो यार सुपर थर्टी के अंदर ऐसा था कि सारे के सारे लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आपने 30 लोग पढ़ने वाले एक साथ रख दिए, वो पढ़ाई ही करेंगे, तो सबके सब रात हो चाहे दिन हो, सुपर थर्टी वाला वो हॉस्टल हमेशा जगा रहता था, ठीक है। रात में कुछ सो रहे होते थे बच्चे, कुछ बच्चे दिन में सो रहे होते थे, पूरे टाइम 24 घंटे उसके अंदर चोरी नहीं कर सकता था कोई, क्योंकि हमेशा लाइटें कहीं ना कहीं जली रहती थी, पूरे टाइम कोई ना कोई घूमता रहता था। तो काफ़ी सही निकला यार वो टाइम भी, मतलब वही 4-4 घंटे का सोना, कंपटीशन करना लोगों अपने आप दोस्तों के साथ ही कि भाई तू अच्छा तू सिर्फ 6 घंटे सो रहा है, ओ भाई साहब सही है यार, ठीक है मैं 5 घंटे सोऊंगा, ठीक है दो दिन 5 घंटे सोए दिन अगले दिन 10 घंटे सो रहे, ऐसी ऐसी चीज़ें, वो तो ठीक है वो सब चलता रहा। काफ़ी अच्छी अच्छी पढ़ाई भी हुई, काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट वगैरह वहाँ पर जाके भी दिए सर के साथ, और एक साल वो टाइम निकला, और उस दौरान भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखा यार मैं लाइफ के अंदर। कि एक तो आनंद सर का जो बिहेवियर था और आनंद सर का जो मतलब मोटिवेशन था कि फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना बिना किसी कुछ चीज़ एक्सपेक्ट किए बस पढ़ा देना, वो चीज़ काफ़ी सही थी यार, मतलब वो काफ़ी बढ़िया लगी मुझे उनसे उनकी लाइफ से, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हिट की। ओके, तो ये थी आनंद सर और सुपर थर्टी की बात। और उसके बाद जब सुपर थर्टी से निकला फिर अच्छे मार्क्स आए, अच्छा कॉलेज मिल गया, देन मूव टू NSIT। काफ़ी सारी चीज़ों में सर्च किया कहाँ जाए, लेकिन देखा NSIT तो बगल में ही यार घर के, ज़्यादा दूर नहीं मेरे घर से NSIT, 20 मिनट लगते हैं मेरे को अगर मैं स्कूटी से जा रहा होता हूँ, तो वो NSIT में एडमिशन ले लिया हमने। काफ़ी सही था वो कॉलेज और काफ़ी सारे दोस्त बनाए, मतलब मेरा बेस्ट जो लाइफ का टाइम था वो 4 साल वो NSIT के थे, उनको नहीं भूलने वाला कभी, ठीक है। तो वहाँ पर NSIT में गए हम टीचर्स वगैरह के साथ, कुछ टीचर्स का बन रही है, कुछ टीचर्स के साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ टीचर्स आते ही बोलते रहे तू आगे बैठ, कुछ टीचर्स मतलब बोल रहे हैं ठीक है लगा देंगे अटेंडेंस लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं, मतलब काफ़ी अलग अलग टाइप के टीचर्स, काफ़ी सही एक माहौल था।
अच्छा गोल अभी भी वही था गूगल कि उस टाइम पे जब मैं कॉलेज में घुस ही रहा था तो एक न्यूज आई थी कि 8 बंदे NSIT के गूगल क्रैक कर चुके हैं और सबको सवा सवा करोड़ या ऐसा 1.5 करोड़ का आई थिंक पैकेज लगा सबका। मैं बोला ठीक है भाई यही यही चाहिए लाइफ में। तो घुसा कॉलेज के अंदर यार मैं, फर्स्ट ईयर की बात है कि हम 5-6 दोस्तों का एक ग्रुप बन गया था, बढ़िया 5 दोस्त थे हम, वो उन 5 का ग्रुप अभी भी है। हम लोग डेली, मतलब अब डेली नहीं लेकिन हाँ ठीक है, काफ़ी रेगुलरली हम लोग अभी भी बातें करते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। मैं COD खेलता हूँ बहुत सही, ठीक है, उनको मैं जिताता हूँ, कैरी कर रहा होता हूँ पूरी टीम को, ठीक है। तो हम 5 लोगों का ग्रुप और उन सभी को CS उन लोगों ने ले रखी थी 11th 12th में, सबको पता है भाई लिंक लिस्ट और स्टैक और क्यूज क्या होता है। मैं बोल रहा ये सब तुम पता कैसे है, बोल रहे ये तो 11th 12th में पढ़ा था यार हमने। मैं बोला ये क्या पढ़ रहे थे तुम, बोला कंप्यूटर साइंस थी मेरे पास। अच्छा, मैं बोला यार मेरे पास तो फिजिकल एजुकेशन थी। बोल रहे वाह बढ़िया, कितने नंबर आए थे? मैं बोला सबसे ज़्यादा नंबर कम फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही आए थे। मेरे को पता चला यार कि कंप्यूटर साइंस के अंदर किसी का 95 से नंबर कम आते ही नहीं है। मेरे स्कूल में नहीं थी कंप्यूटर साइंस, खैर मैंने ली थी फिजिकल एजुकेशन, मेरे आए थे 86। मैं बताऊँ मेरी अगर परसेंटेज देखी जाए ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और दूसरा क्या था इंग्लिश, इन सब की मिला दो तो 96.5 जाती है, फिजिकल एजुकेशन को मिला दो 94.4 जाती है, 2% कम जाती है। तो इतना अच्छा था मेरा तो फिजिकल एजुकेशन और उसका कोई यूज़ भी इतना आया नहीं, और उन लोगों को सब कुछ पता था ऑलरेडी। तो मैंने यार जाते कॉलेज में जाते क्या करते हैं सर्च की, गूगल जाना है, गूगल कैसे जाएँ, कोरा पर सर्च किया, कोरा वाले कहते हैं कि DSL को करो। मैं बोला ठीक है भाई DSL को करेंगे, कैसे करें DSL? बोले कि कोई एक लैंग्वेज सीखो। अच्छा ही है, बोला ठीक है लैंग्वेज सीखते हैं। पता चला यार ये सी लैंग्वेज और C++ तो इन लोगों ने ऑलरेडी सीख रखी है। मैं बोला अच्छा भाई ये तो कॉलेज में घुसते के साथ ही पीछे हो गया मैं, बैकफुट पर, ये लोग ऑलरेडी चैम पे आगे निकल चुके हैं, मैं अब स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं बोला कोई नहीं यार अभी स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके, मतलब उस टाइम पर लगा यार कि इन सबको सब आता है मैं नहीं आता, मतलब ठीक है कोई नहीं स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दोस्तों के साथ सीखा बैठ बैठ के थोड़ा बहुत, यहाँ वहाँ हाथ पे मारे, काफ़ी सारे YouTube वगैरह पे वीडियोस देखने लगा। YouTube का भी मेरे पास मतलब अनलिमिटेड कनेक्शन था नहीं उस टाइम पे। सी लैंग्वेज सीखनी स्टार्ट करी मैंने, लेटेस्ट सी वाली बुक खरीद ली थी पहले, और मैं बताऊँ मुझे नहीं आ रही थी समझ ठीक से, मैं मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं प्रोग्रामिंग करते करते मुझे लग रहा है ये चल क्या रहा है, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने हेल्प करी लेकिन समझ नहीं आता था। YouTube वगैरह पे गया मैं और एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए ढूंढा कुछ कुछ, तो वहाँ पे जो कंटेंट मिल रहा है वो कुछ अलग ही लेवल का मिल रहा है, मतलब वो अपने फॉरेन वाले तरीके से पढ़ा रहे फॉरेनर लोग, और यहाँ पर एग्ज़ाम में जाते हैं एग्ज़ाम में अलग ही तरीके की खिचड़ी आ रही है, मैं समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है ये। सिमिलरली फॉर प्लेसमेंट्स मैं तैयारी व्यारी करने लगा उन चीज़ों की, और फॉरेनर से ही पढ़ रहा था मैं, वहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ चल रही है, यहाँ पर वो चीज़ अलग ही कुछ पूछ रहे हैं। ये तो वहीं से यार लगा मुझे कि ये ना एक गैप है ये, कि इंडियन नीड्स कुछ अलग हैं, ठीक है, इंडियन कॉलेज सिस्टम इंडियन एजुकेशन सिस्टम कुछ एक अलग नीड है, ये लोग कुछ अलग ही पढ़ा रहे हैं, इनका वाला अगर करने लग गए ना तो काफ़ी इफिशियंट रहने वाला नहीं है वो। तो वहाँ से एक पता चला कि यार कुछ करना पड़ेगा इसका, तो उसका भी वो भी एक रीज़न था, मैं अभी धीरे धीरे बताते चलूँगा पूरी की पूरी कहानी चली रही है। तो छुट्टियों में फिर मैंने जावा चूज़ करी यार, और जावा के अंदर काफ़ी सारे फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, देन एंड्रॉयड वगैरह, ये तो मतलब उसके बाद की जर्नी, तो थोड़ी फिर धीरे धीरे करके फन आने लग गया था मेरे को, जैसे जैसे करके चीज़ें सीखते जा रहा था मैं प्रोग्रामिंग के अंदर, वैसे वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब सही होते जा रहा था प्रोग्रामिंग के अंदर। और उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में घुसा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर भी फिर मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स, सॉल्व एग्जाम्पल देन अनसॉल्व एग्जाम्पल्स, वेबसाइट्स पर जाकर कॉन्टेस्ट वगैरह दे रहा हूँ, और हैकर रैंक हैकर अर्थ, और फिर डेवलपमेंट में घुस गया मैं, डेवलपमेंट में मज़ा आने लग गया मेरे को। फिर डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी कॉलेज दौरान, 2 साल निकल गए, और 2 साल के बाद आने वाली होती है कंपनीज आपकी, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में कंपनीज आना स्टार्ट होती हैं। मैं बोला यार इंटर्नशिप करते हैं, इंटर्नशिप्स दिखानी चाहिए, इंटर्नशिप अगर आपके रेज्यूमे में लिखी हो ना तो फिर इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब सही बात है। और टाइम चूज़ किया मैंने सेकेंड ईयर के बाद वाला जो समर वेकेशन होता है उसके करेंगे, उसके अंदर करेंगे इंटर्नशिप, उसके अंदर भाई सब लोग पढ़ रहे हैं। मैं बोला यार क्या कर रहे हो तुम, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ ठीक है, और एक स्टार्टअप के अंदर एंड्रॉयड डेवलपर की तरह इंटर्नशिप मैंने करी, वहाँ पे आके चीज़ें सीखी मैंने वहाँ पे आके फॉर श्योर। बट जैसे ही इंटर्नशिप खत्म हुई वैसे ही कंपनीज आनी स्टार्ट हो गई और वो चीज़ें पूछ रही हैं और वो चीज़ें हमसे हिल नहीं रही हैं, क्योंकि हमने तो तैयारी ही नहीं करी उस चीज़ की, हमने तो 2 महीने इंटर्नशिप करी है। कंपनीज आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, गोल्डमैन आ रही है, पता नहीं बहुत सारी अलग अलग टाइप की कंपनीज आ रही हैं, और उनके कोडिंग कॉन्टेस्ट में बैठ रहा मैं, कोडिंग कॉन्टेस्ट में मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा उनसे ठीक है।
और मतलब बहुत 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 बेकार टाइम था वो तो। मतलब उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन आती थी यार कि क्या चल रहा है लाइफ में, इतनी सारी मेहनत करी ये वो, यहाँ पर आकर तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे, यहाँ देख रहा हूँ मेरा इस दोस्त की शॉर्ट लिस्ट में नाम आ रहा है, इसका नाम आ रहा है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं रहा, ये वाला टाइम चल रहा था उस टाइम पर। सुबह सुबह जाता था, मम्मी मम्मी तैयार करके भेजती थी दही चीनी खिला के, घर पे आता था यार मम्मी पानी आ जाओ, बोलते कोई नहीं बेटा कल हो जाएगा कल हो जाएगा। तो ये वाला चला और काफ़ी सारी कंपनी से बैठा मैं, फिर फाइनली एक जगह इंटर्नशिप के लिए टेस्ट वगैरह हो गया सॉल्व और इंटर्नशिप मिल भी गई। बट देन आई थॉट कि नहीं यार इस कंपनी में इंटर्नशिप का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पीपीओ के लिए कर रहा था मैं मेल, पीपीओ यहाँ से मिलना नहीं, और दोबारा से वही हो जाएगा कि जैसे ही प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आएंगी मैं इंटर्नशिप दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है पुराने वाला हाल हो जाएगा। तो इस बार मैंने तैयारी करनी स्टार्ट करी। ये वाली चीज़ ना बच्चों के साथ होती है और मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ उस टाइम पर, जब मेरे से कोई होता है ना कि आपको कोई अपनी कहानी बता रहा होता है फिर आप एकदम से रिलेट करने आते कि हाँ यार ऐसा हाल तो मेरा भी। बच्चे बोलते हैं भैया हमारा ना मन नहीं लगता प्रोग्रामिंग करते टाइम, कैसे मोटिवेट रहें इस पर बनाओ, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आगे बढ़े, कैसे मतलब सोचें अप्रोच को, ये वाली चीज़ मेरे भी दिमाग में पूरे टाइम रहती थी उस टाइम पर, और मैं सर्च करता था ये सब चीज़ें, मुझे नहीं मिलती थी ये सब चीज़ें, कोई बनाता ही नहीं, कोई नहीं, वो सब सब अपना अलग ही फॉरेन वाले अप्रोच में लगे हुए हैं, यहाँ जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी बातें करो, उसकी बातें वो करता ही नहीं कोई। मेरे से प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब सेम वही चीज़ जो लोग बोलते हैं ना वो चीज़ मेरे को भी होती थी कि करते करते कोडिंग करते करते यार फ्रस्ट्रेट हो गए, कोई नहीं रहा प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही, पूरे दिन लगे पड़े कि यार कैसे होगा कैसे होगा, फिर फाइनली सोल्यूशन देखा अबे यार ऐसा सोल्यूशन था ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, ये लगता था, फिर सोचता था कि अब ये सेम क्वेश्चन अगर कंपनी में आ गया तो ये कैसे ही कर पाऊंगा मैं, ये वाली चीज़ें दिमाग में चलती रहती थी, बजाय इसके कि मेहनत कर लेते हैं यार थोड़ा बहुत क्वेश्चन और सॉल्व कर लेता, मैं ये सोच रहा था यार ये वाला क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करूंगा फिर मैं, तो इस चीज़ में ज़्यादा दिमाग लगाया मैंने। बट धीरे धीरे करके ना रियलाइज़ होने लगा कि यार ये सब चीज़ें सोचता रहा ना तो फिर हो नहीं पाया कुछ, तो तैयारी व्यारी स्टार्ट कर देते हैं। तो इस बार मैंने फिर थोड़ा सा सीरियस होके पहले तो लीड कोड पे देन इंटरव्यू पे जाकर तैयारी स्टार्ट कर दी। तो शुरुआत का जो टाइम था उस टाइम पे, शुरुआत का टाइम तो फिर भी ऐसे ही था, एकदम से थोड़ा आप एकदम से चैंप हो जाते हो, ठीक है शुरुआत में तो ऐसे ही था, लेकिन धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके जब इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और जब एकदम से तब एकदम के बाद एक टाइम आता है यार मैं आप लोगों को बताता हूँ, पता है आप लोग अगर डिमोटिवेट हो रहे हो ना कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे यार अभी होते ही नहीं, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व अगर नहीं हो रहे होते ना तो उस टाइम पर एक काम करो, बहुत सारे क्वेश्चंस लो और उनको सॉल्व करने के बारे में सोचते रहो पूरे टाइम। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं पूरे टाइम चाहे सो के उठूँ चाहे सोने जाऊँ कभी भी कहीं भी रहूँ नहा रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमेशा दिमाग में रहती थी, ये चीज़ आपके साथ भी होनी चाहिए, कभी भी ना दिमाग खाली नहीं रहना चाहिए, सोचते रहो किसी ना किसी चीज़ के बारे में और जब भी खाली टाइम मिले अच्छा अच्छा ये ऐसे होता है ओके। एक टाइम ऐसा आएगा ना यार मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन देख के ना आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसे हो, क्योंकि आपने उस टाइप की कोई ना कोई प्रॉब्लम कभी ना कभी उस टाइप का कोई ना कोई सोल्यूशन या फिर आप लोगों को एटलीस्ट अप्रोच पता होगी कि अच्छा ऐसे 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 करके ये सॉल्व होने वाला है, दिमाग में हिट कर लिया आते हैं चीज़ें, ये यही यही एक वे है मतलब इस चीज़ से डर डर को बाहर निकालने का, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा जो लोग पूछते हैं कि भैया कैसे डर से राहत पाएँ, तो डर से राहत पाने का यही तरीका यार कि पूरे टाइम जिस चीज़ से डर लगता है ना, कहता है ना कि जिस चीज़ से डर लगता है वो चीज़ करते रहो, ठीक है हाइट से डर लगता है तो कूदो मत, मतलब हाइट पे जाके खड़े हो जाओ। देन कॉलेज के अंदर फिर प्लेसमेंट का टाइम आया और प्लेसमेंट के अंदर फिर वही हाल होने लग गया धीरे धीरे करके, शुरुआत वाली कंपनीज के अंदर तो एटलीस्ट हुआ ही कि प्रैक्टिस हो गई थी लेकिन फिर भी कंपनीज नहीं निकलती थी, ठीक है कुछ कुछ कंपनीज के तो अंदर तो बहुत ही वियर्ड चीज़ें होती थी, जैसे अडोबी के अंदर मुझे याद है बहुत ही वियर्ड चीज़ हुई कि मैं गया तैयारी एकदम फुल बढ़िया कर रही थी, पहली कंपनी आई थी माइक्रोसॉफ्ट लेकिन उसके बाद जो अडोबी आई थी उसका टेस्ट पहले था कॉलेज के अंदर, अडोबी का टेस्ट देने बैठा मैं हैकर रैंक के ऊपर, तीन क्वेश्चन दिए थे उन्होंने और तीनों के तीनों क्वेश्चन 1.5 घंटे में कर रहे थे, मेरे तीनों के तीनों क्वेश्चन 1 घंटे में हो गए, पूरे के पूरे बैच में जो साथ में बैठा रखे थे कैड लैब के अंदर उन सब में से सबसे पहले खड़ा हो गया मैं और बाहर निकल गया। मैं बाहर निकल के सोच रहा है यार कहीं कुछ ज़्यादा ही तगड़ी तैयारी तो नहीं कर ली, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि कुछ ज़्यादा ही तगड़ी तैयारी तो नहीं कर ली यार इन छुट्टियों में मैंने, और मतलब ये कैसे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, देन थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद अगला उन्होंने टेस्ट लिया, अडोबी ने दोबारा बुलाया कि अच्छा अब एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, तो मैं बोला यार अब तो हो ही गया वो कोडिंग टेस्ट, तो मैं तीनों क्वेश्चन कर लिए सारे टेस्ट के पास हो गए ये भी निकल जाएगा, तो उसके अंदर मैंने हल्के हल्के में ले लिया उसको, हल्के
हल्के हल्के में नहीं लेना था उसे, पता चला कि उसको भी उसको उन्होंने ज़्यादा वेटेज दे रखी है। तो उसके अंदर सब लोग कह रहे हैं अनुज तरह तो हो गए, अनुज तरह तो हो गए, लेकिन जब वो नाम अनाउंस कर रहे थे ठीक है एडमिन के अंदर, तो वहाँ पर नाम ही नहीं आ रहा। मैं बोला अच्छा, देन उसने बोला कि और लास्ट बंदा है ये। मैं बोला व्हाट ये क्या हो गया, नाम ही नहीं आया। तो और फिर और चीज़ें सीखा यार, मतलब लाइफ सिखाती रहती है आपको चीज़ें ठीक है। तब सीखा कि ज़्यादा जल्दी ना कुछ नहीं होना चाहिए, जब तक आपको श्योरिटी ना मिल जाए तब तक ज़्यादा फूलना नहीं चाहिए। ओके तो ये निकला, देन धीरे धीरे करके कुछ कंपनीज आती गई, लेकिन फिर बहुत जल्दी ही मतलब शॉर्टली एक कंपनी में मेरा लग गया था। और हमारा कॉलेज जो है NSIT, उसकी एक प्रथा है कि अगर आपका एक कंपनी में लग जाता है देन उस लेवल की कंपनीज में आप बैठ नहीं सकते हो। और अनफॉर्चुनेटली वो जो कंपनी थी जो इसमें मेरा हुआ था टेलस्ट्रा, वो थी उसकी पोस्टिंग बैंगलोर में मेरा जाने का मन नहीं था। मैं था कि गुड़गांव में रहेंगे यार, और गुड़गांव में रहना मतलब बैंगलोर जाके क्या ही करना है। बट कोई नहीं, हो गया था वहाँ पे। और कॉलेज की पॉलिसी जैसी थी कि अब आप कंपनीज में नहीं बैठ सकते, इस लेवल की कंपनी से नीचे वाली कंपनी में नहीं बैठ सकते, इससे ऊपर वाली जब कंपनी आई कभी तो बैठ सकते, उससे ऊपर वाली कंपनी आई नहीं थी कॉलेज के अंदर ठीक है। ये हुआ काफ़ी दिनों तक कंपनीज में बैठ ही रहा। और उसके बाद फिर फाइनली अर्बन क्लैप आई, और अर्बन क्लैप के अंदर मैं जाके बैठ गया ऐसे ही कॉलेज के रूल्स के खिलाफ। मैं बोला नहीं भाई, अब तो फाइनली बैठ रहा हूँ मैं इसमें, कुछ भी कर लो तो मैं जा रहा हूँ इसके अंदर बैठने ठीक है, बहुत हो गया। क्योंकि उस टाइम एंड का टाइम होता है तो इतना ज़्यादा TNP वाले भी भाव नहीं खाते ठीक है, TNP वाले भी बोलते ठीक है, TNP वाले भी मतलब ज़्यादा उस टाइम पे स्ट्रिक्ट नहीं होते कि क्या ही कर दोगे, बैन कर दोगे अगली 5 कंपनीज के लिए ठीक है, अगली 5 कंपनीज आनी ही नहीं, बैन कर दो ठीक है। तो लास्ट टाइम चला था वो, तो मैं बैठ गया अर्बन क्लैप के अंदर, और तैयारी व्यारी तो सही से चली रही थी। तो अर्बन क्लैप के जितने भी इंटरव्यूज थे सारे मस्त एकदम क्रैक हो गए, बढ़िया तरीके से क्रैक हो गए। तो ऐसा था, अर्बन क्लैप के अंदर गया मैं इंटरव्यू दिया, और उस वाली कंपनी जिसमें पहले लगा था उस कंपनी का ऑफर लेटर और वहाँ के टिकट विकेट की बैंगलोर की टिकट सब रेडी, यहाँ अर्बन क्लैप का भी ऑफर लेटर हाथ में। और अर्बन क्लैप में गया सैटरडे को इंटरव्यू दिया, पहले दिन एक ही दिन के अंदर उन्होंने 4 इंटरव्यू लिए, 4 इंटरव्यू पास, और आपको बता दिया कि हाँ आप सिलेक्टेड हो। संडे को उन्होंने मेरे को भेज दिया ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ, मैंने साइन कर दिया, संडे को मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया उस वाली कंपनी के अंदर, और मंडे को चला गया अर्बन क्लैप में। तो बहुत जल्दी 3 दिन के अंदर सारा ख़त्म। और अब फिलहाल मैं अर्बन क्लैप के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हूँ पिछले 1.5 साल से, और बढ़िया जर्नी रही है अभी तक तो, फुल ऑफ लर्निंग, फुल ऑफ मज़े, मतलब सही एकदम मज़ा आ रहा है। अच्छा, अर्बन क्लैप की भी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं। अर्बन क्लैप के अंदर भी शुरुआत जो सबसे पहला दिन था ना, सबसे पहला दिन यार सबसे ज़्यादा याद रहता है ठीक है, उसके बाद तो खैर काम होता रहता है, फर्स्ट डे सबको याद रहता है अपनी कंपनी का। फर्स्ट डे में मेरी जो मैनेजर थी उसने इंट्रोड्यूस कराया बंदे से, और बोली कि ये है मैम। और जब उसने इंट्रोड्यूस कराया ना, मैं ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि जब कोई आपको इंट्रोड्यूस करा रहा होता है तो आप लोग उसका नाम भूल जाते हो ठीक है, मतलब ठीक है वो शिट अब इसका नाम याद रखूँ इस बार, जैसे इंट्रोड्यूस कराएगी ना हाय माय नेम तो याद रखूँ, जैसे वो बंदा अपना नाम बताने वाला होता है दिमाग में ये चलता है कि इसका नाम ही भूलना और उसका नाम ही निकल जाता है दिमाग से, दोबारा तो पूछ ही नहीं सकते, अभी भी तो बताया बंदे ने। तो उसने इंट्रोड्यूस कराया, उस बंदे ने कुछ बोला मुझसे, और उसने फिर बहुत सारे लोगों से इंट्रोड्यूस कराया, मुझे एक बंदे का नाम याद नहीं, मैं बता रहा हूँ सीरियस, मैं पूरे टाइम ये सोच रहा कि इसका नाम पक्का नहीं भूलना, और मुझे याद ही नहीं किसी का भी नाम। अच्छा, उसने जो जिससे इंट्रोड्यूस कराया था वो निकला कंपनी का कोफाउंडर, मुझे पता ही नहीं था, मैं मतलब पता ही नहीं चला, उसने बोल दिया कि हाँ ये कोफाउंडर, लेकिन मैंने ठीक से शायद सुना ही नहीं। तो हो क्या रहा कि कुछ दिन बाद जब मेरे को वो बंदा बहुत जेन्युइन लगा, मुझे काफ़ी बढ़िया बात करी उसने, और जब भी मुझे कभी भी मिलता राघव और मैं बोलता हाय राघव वसा, मतलब ऐसे ये वसा तो ये वाली बातें होती थी। एक दिन मेरे एक दोस्त ने बोला पता तेरे को कौन है वो, मैं बोला हाँ राघव, बोला कोफाउंडर है वो, बोला ओके कोफाउंडर है ये ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब, बट वो बंदा बहुत बहुत जेन्युइन, बहुत सही बंदा है राघव, जब मर्जी आप जाकर उससे बात कर सकते हो, काफ़ी सही कोफाउंडर ठीक है। तो ये था मेरा अब तक का, आप लोगों को पता चल चुका होगा ठीक है, लाइफ की पूरी जर्नी कैसी रही। अर्बन क्लैप के अंदर फिलहाल मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हूँ। अब बात कर लेते हैं फाइनली कि क्यों फिर ये चैनल वगैरह क्यों बना रखा है भैया आपने, आप क्यों पढ़ा रहे हो मैं। तो वो जो आप लोगों को अभी तक दिखी गया हो यार, वैसे पूरी की पूरी जो जर्नी सुनाई, पूरी की पूरी कहानी सुनाने का रीज़न यही था, मेन रीज़न यही था कि वो जो गैप मुझे दिख रहा था ना कॉलेज टाइम के अंदर ही, कि एक ऐसा बंदा जो कि जिसे कुछ नहीं आता ठीक से ठीक है, वो कैसे सर्वाइव कर पाया कॉलेज के अंदर गाइडेंस देने वाला इतना ज़्यादा होता नहीं है, वो जो गैप होता है ना सीनियर्स और जूनियर्स का वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है।
सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है नहीं अब, तो सिखाने वाला कोई है नहीं, ठीक है, गाइड करने वाला कोई है नहीं, जो कंटेंट है हमारे पास, जो जो पढ़ाने वाला मटेरियल है वो बाहर के लोगों का, वो अपने ही धुन में कुछ बताया जा रहा है, यहाँ पर कुछ और ही आ रहा है एग्ज़ाम्स के अंदर या फिर प्लेसमेंट्स के अंदर कुछ और ही चल रहा है, तो ये चीज़ें ना हो, तो ये रीज़न था एक, और इसी वजह से ही मैं पढ़ाते आ रहा हूँ काफ़ी 1.5 साल हो गया, तो काफ़ी वीडियोज़ बना दी, और भी कुछ रीजंस थे यार कि जो ऐसा मुझे लगता है कि प्लेसमेंट तो खैर छोड़ो, प्लेसमेंट तो आ जाती है, जो कोडिंग है ना, जो प्रोग्रामिंग है, वो यार आपकी ना थिंकिंग एबिलिटी को बिल्कुल ही चेंज कर देती है। मतलब अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग, जब से आप प्रोग्रामिंग के अंदर सोचने लगे ना चीज़ें, तो आपको हर चीज़ दुनिया पूरी की पूरी अलग हो जाती है आप लोगों के लिए, आप सोचने ही अलग लेवल पर लग जाते हो, आप वो चीज़ें सोचते हो जो नॉर्मल बंदा नहीं सोचता है। आप एक ऐप को देखते हो, आप एक वेबसाइट को देखते हो, आप उसको दोबारा उस नज़र से देख ही नहीं सकते कि नॉर्मल पहले था वो सिंपल यूट्यूब, अब है वो यूट्यूब, ओके ओहो यहाँ पर एक नैव बार है, ठीक है इसमें क्लिक कर रहा हूँ, ओके ये स्लाइड हो रहा है, समझ रहे हो, अब आप उसके अंदर घुस रहे हो, पहले था कि अच्छा ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर दो, अब आप वो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं करते, अब आप उसके कॉर्नर केसेस सोचते हो कि ये प्रॉब्लम अच्छा ये इनपुट आई तब क्या होगा, ये इनपुट आई तब क्या होगा, ये इनपुट आई तब क्या होगा, यहाँ तो फट जाएगा ये, तो वो जो है ना वो आपकी थिंकिंग को जो ब्रॉडन कर देती है वो चीज़, वो ना मतलब एक बेसिक चीज़ होनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर आप प्राइस टैग नहीं लगा सकते, वो सबके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और वही एक रीज़न था कि जहाँ मैंने देखा कि कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह भी हैं बहुत ज़्यादा हेफ्टी फीस लेते हैं वो, और ठीक है वो सिखा देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा कौन दे सकता है, मैं तो नहीं दे सकता था अपने कॉलेज टाइम पर, इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, इतने होते भी नहीं थे हमारे पास, तो वो चीज़ ना करनी पड़े यार, अच्छी चीज़ कोडिंग जो है, कोडिंग सबको एक्सेसिबल हो और सब लोग कर पाएँ, एक ये भी एक मेन रीज़न था। और जैसा चलते आ रहा था बहुत सालों से कि मेरी लाइफ में ऐसे ही था यार कि काफ़ी सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा सेल्फलेसली हेल्प करी है, और उनसे ना धीरे धीरे करके सीखते आ रहा हूँ मैं चीज़ें, आनंद सर हो गए और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी कि लाइफ में ना अगर तुम्हारे पास कोई नॉलेज है ना तो उस चीज़ को शेयर करो, वो चीज़ें तुम्हारे पास अगर रहेंगी ना तो वो चीज़ें ख़त्म ही हो जाएंगी। अगर मैं प्रोग्रामिंग वगैरह चीज़ें नहीं पढ़ा रहा होता तो मैं भी अपने सारे के सारे कंसेप्ट भूलता रहता यार, ठीक है, एक टाइम बाद जब आप डेवलपमेंट करने जाते हो तो आप एल्गोरिथम्स और ये सब चीज़ें भूलने रहते हो, ऐसा होता है सबके साथ होता है, वो चीज़ नहीं हो रही है क्योंकि आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ और है कि ये कि जब लोगों के आते हैं ना कमेंट्स वगैरह कि भैया आप बहुत सही कर रहे हो, आप बढ़िया पढ़ा रहे हो, वो तो चलो ठीक है, वो सबको अच्छा लगता है जब कोई आपकी तारीफ़ कर रहा होता है कि आपके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करता है, तो ठीक है अप्रिशिएट करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन एक और चीज़ है कि बंदा बोलता है ना जबकि भैया मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाता हूँ कोडिंग करते करते, कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करूँ, तो मेरे को अपना याद आ जाता है अपना कि यार हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, मतलब पूरा जर्नी पूरी की पूरी वो आ जाती थी कि हाँ यार हो सकता है ये बंदा अभी इस जगह पर अटक गया होगा, तो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाता यार मैं, और वो चीज़ ना एकदम से बोलते कि ठीक है इस बंदे को बताना ही है, तो उसके लिए फिर यही एक बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो यही ही एक जर्नी आई थिंक मैं तो आप लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, आई होप शायद हो सकता है मेरी जर्नी से भी कहीं ना कहीं आप लोग रिलेट कर पाते हो अपने आप को, ठीक है। सारे के सारे बंदे जो निकलते हैं बड़े बड़े कॉलेज में आते हैं वो बढ़िया बढ़िया स्कूल के हों, बढ़िया बढ़िया बैकग्राउंड के हों, ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भी होते हैं, ठीक है। तो यही थी एक जर्नी, आई होप आप लोग कुछ कुछ सीख पाए हों, जो भी मैं बताना चाह रहा था वो आप लोगों तक मैसेज चला गया हो, और बस एक जो मेन रीज़न था अपने भाई को शांत कराना कि अपने बारे में बता, थोड़ा किसी को पता ही नहीं है तेरे बारे में यार, मैं ना आप लोगों से ऐसे बातें कर नहीं पाता, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ, आप लोगों को भी दिख गया आज, मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता, मेरे को चाहिए कि एक लेक्चर हो, ये ख़त्म करना टॉपिक, ठीक है ये ख़त्म कर दूंगा, मैं इस टाइप की बातें मैं ज़्यादा कर नहीं पाता, ठीक है। लेकिन अगर 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 ज़रूरत रहती है तो फिर ये चीज़ें भी करनी चाहिए, एज अ टीचर मैंने देखा है जो टीचर पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को पूरे टाइम मोटिवेट भी करते हैं कि तुम ये कर सकते हो, बच्चों को आप अपने आप में भरोसा दिलाते हैं, वो टीचर बहुत बहुत बढ़िया टीचर होते हैं, वो टीचर बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे, ठीक है। तो वो एक मतलब बढ़िया बढ़िया टीचर मैं मानता हूँ।
ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है ये वीडियो, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने का टाइम आ चुका है। और मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा इस वीडियो के अंदर, और किस चीज़ से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाए मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर। और साथ ही साथ ये चीज़ भी मैंने लास्ट वीडियो में भी कही थी, मुझे ये भी बता देना साथ में कि किस टाइप की वीडियो आप लोगों को चाहिए मुझसे नेक्स्ट, तो मैं उस टाइप की वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, आप लोगों को कहीं लगता है कि इस चीज़ में मैं स्टक हूँ वो चीज़ बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, जरूर मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, इसी के साथ ही मैं चलता हूँ, आप लोग खुश रहो, कोविड का टाइम चल रहा है बट कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे करके वैक्सीन वगैरह बनने लग गई हैं। ठीक है, मुझे पता है कॉलेज वाले बच्चे जो होंगे वो कह रहे होंगे यार नहीं ठीक है लॉकडाउन चल रहा है हम लोग अपने मजे कर रहे हैं, लेकिन नहीं ये सही टाइम नहीं है, हमें बाहर निकलना और जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो ज़रूरी होता है वो भी करना है, टाइम आने वाला है। ठीक है, कोविड से हम बाहर निकलने वाले हैं, समय लगेगा, पेशेंस रखिए आप लोग, और खुश रहें, सेफ रहें, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।